अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो उसी पिछली वीडियो का जो है कंटिन्यू है। जैसे कि मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इरफान साहब के बेटे का ऑपरेशन है और उसकी आँख का जो प्रॉब्लम उन्होंने जो भी सारा फेस किया वो ऑपरेशन से पहले की वीडियो थी। अब उनके बच्चे का ऑपरेशन कल हो चुका है और आज हम उनसे जानेंगे कि उनको ऑपरेशन के वक्त क्या जो है सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा और बच्चे की हालत कैसी है। और आज के हम लोग जो है इवन इंटरव्यू में और आज की वीडियो में हम आपको बच्चे से भी मिलाएंगे, बल्कि पहले हम आपको बच्चे से मिलवाते हैं। आइए चलते हैं नकी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नकी। अस्सलाम वालेकुम, शेक हैंड करो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन, ये हैं नकी अली, मोहम्मद नकी अली साहब, और इनका जो है अभी ऑपरेशन कल ही हुआ है और इंशाल्लाह जो है हमारा आगे का जो भी प्रोसीजर है या जो कल डॉक्टर्स ने रिकमेंडेशंस दी हैं वो सारी चीज़ें अब हम इनके वालिद साहब इरफान साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? कैसे से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर सबसे पहले तो जाहिर है बहुत सारी दुआएं बच्चे के लिए, आप बताएं कि कल ऑपरेशन किस टाइम हुआ और कैसे डॉक्टर्स वगैरह का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, कल किस टाइम गए और कैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कब बच्चे को डिस्चार्ज कब किया? कल सुबह हम यहाँ से 6 बजे निकल गए थे घर से हॉस्पिटल के लिए। सुबह 6 बजे इसको फास्टिंग पे कर दिया था, 11 बजे इसको अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेकर। तो एक सेकंड माजरत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसको एनेस्थीसिया फुल बॉडी दिया था या हाफ बेहोश किया था या पूरा बेहोश था? फुल बेहोश किया था। ओह अच्छा, इसका फुल बेहोश किया था, बल्कि 3 दफा पहले भी बेहोश हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे इसका जो आँख का जो था मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ये चीज़, अब दोबारा भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देख लें जो मैं भुगत रहा हूँ वो अल्लाह ना करे आप में से किसी बच्चे को या किसी माँ बाप को ये भुगतना पड़े। साहिर अगर बार मैं सिर्फ ये वीडियो जो भी बनवा रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए बनवा रहा हूँ कि किसी को मैसेज मिल जाए, क्योंकि एक बच्चा अपनी लाइफ में सही सेट हो गया तो मुझे ऐसे लगा मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। बिल्कुल जाहिर है, आपकी कोशिश जाहिर है यही है कि जो तकलीफें या परेशानियां आपने फेस की हैं और या आपके बच्चे ने भी बहुत छोटी सी उम्र में देख रहा है वो, या पेरेंट्स आप लोग जाहिर है बहुत बेयर कर रहे हैं इस चीज़ को और बहुत मुश्किल होता है, तो मजीद कोई पेरेंट्स मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश थी पिछले इंटरव्यू में भी कि जो भी चीज़ें हैं बच्चा किसी किस्म की कोई शिकायत करे, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फौरी उसको जो है डॉक्टर के पास लेके जाएं और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं या जो भी आपके इलाके का डॉक्टर हो। तो खैर ये बातें तो अपनी जगह, आप बताएं कल डॉक्टर ने फिर किस टाइम इनका ऑपरेशन करने के बाद कितनी देर बाद डिस्चार्ज किया? जी इसका ऑपरेशन सुबह दिन में 11 बजे इसको अंदर ले लिया था और तकरीबन 1-1.5 बजे बाहर आया था ऑपरेशन थिएटर के बाद, फिर 3 बजे तक 3:30 बजे तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, उसके बाद हम वहाँ से आए। तो आगे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं मजीद, क्या फिर वहाँ से जब आप लोग फारिग हुए तो क्या फिर कुछ और? बस इसकी जो आँख निकाली थी वो सैंपल के तौर पर हमें दी थी। अच्छा, वो हमने वो पूरा आई बॉल दिया था उन्होंने? जी हाँ, अच्छा। पूरा आई बॉल दिया था, वो हमने लेबोरेटरी में दिया है चेक करवाने के लिए। कहाँ पर? आगा खान में दिया है डॉक्टर्स के, वो बायोप्सी के लिए आपने? बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने कहा था कि वहाँ पे लेना, तो वहाँ पे वो दिया, उसकी रिपोर्ट आई 28 तारीख को। ठीक है, तो और बाकी इसकी दूसरी आँख में जो हल्का सा शेड आ रहा है उसके लिए कल उन्होंने दोबारा बुलाया है। तो एक आपकी मैं बात काटूं, जो इसकी दूसरी आंख में शेड आ रहा है वो पहली आंख में भी ऐसा शेड बनना स्टार्ट हुआ था? नहीं, पहली आंख में कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन इसका दूसरी आंख में जो आ रहा है वो साइड से आ रहा है, वो सेंटर में था। अच्छा, पोजीशन डिफरेंट है बट चीज ऐसी जैसे इस आंख में हुआ था तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी आंख में जा रहा है। अच्छा, तो वो जो जैसे जाता है तो वो जाते हुए चीज एक आ रही है ना। अच्छा, वो तो सेंटर में हुआ था तो एक बॉल बन गई थी, वो ये से यहाँ से दूसरी आंख में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस ट्रांसफर आग तो ये निकल गई। अब वो जो हल्का सा भी किया उसको रोकने के लिए वो कल इसको लेजर करेंगे, उसके बाद जो भी इसका प्रोसीजर होगा या कैंसर का इलाज या जैसे भी होता है वो जनाब हम दोबारा वापस आएंगे। तो इसका तो इसकी जब रिपोर्ट 28 को आएगी तो हमें पता चलेगा कि वो क्या था, क्या जो इस जो आँख में से रिमूव किया है जी। और इस आँख में कल वो लेजर से उसको जो है अंदर किल कर देंगे या अंदर इसको खत्म कर देंगे? हाँ, कल वो लेजर से उसका वो सारा करेंगे, उसके बाद जो इसका बकाया जो प्रोसेसर है वो तो आगा खान वो जना में सॉरी जना में चलेगा, तो जना के बाद जो भी आगे होगा। तो मतलब कल आप लोग जाएंगे इसका वो कराएंगे, उसके बाद मतलब एक्चुअल में हमें 28 के बाद पता चलेगा जी हाँ कि मजीद लाया अमल कैसे लेके जाना है। जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं,
तो 28 के बाद पता। अब मजीद आगे ये तो चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमसे सारा कुछ शेयर किया। अब मजीद मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक का टाइम है और हर बंदा वैसे ही बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, जो जॉब पर हैं उनको उनकी तनख्वाहें कट रही हैं और परेशानियां अपनी जगह हैं, उसमें फिर एक ऐसी कोई चीज़ अगर आ जाए तो खुदा की तरफ से, इसको मैं इम्तिहान कहता हूं, तो अगर कोई खुदा की तरफ से ऐसा इम्तिहान आ जाए तो आपने बड़ी मुश्किल से जो है, हमने अपने व्यूवर्स को भी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक ड्राइवर है, एक लेबर है, एक छोटी एक कोई भी मीडियोकर इंसान है, मिडिल क्लास है, जो कि बस हैंड टू माउथ चलता है पूरे महीने, और खुदा ना खास्ता इस किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने गवर्नमेंट अस्पतालों पे जो है अपना सारा ये पूरा जो है आपका टाइम गुजरा। मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं नहीं कहता कि हमें गवर्नमेंट अस्पतालों में जाना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो गवर्नमेंट अस्पताल हमारे प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारे यहाँ भी चूँकि मेरा जब इनके साथ सारी इंटरेक्शन हुई, मैंने इनके साथ सारा केस स्टडी जो इन्होंने मुझे बताया सारी बातें, तो उस पर मुझे लगा कि नहीं, हमारे यहाँ भी लोगों चीज़ें बहुत माशाल्लाह से अब इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि ये क्या इनका कैसा जो एक्सपीरियंस रहा, और ये अगर इन्हीं के तबके के लोग हैं या जो मजदूर है या कोई मिडिल क्लास आदमी है वो जाता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, और इनको कितनी सपोर्ट हुई गवर्नमेंट अस्पतालों में ये सारा करवा। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ इस टाइम पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस टाइम पर काम कर रहे हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए मैं आपको इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग बोलते हैं यार प्राइवेट हैं उसमें पैसा खर्च करेंगे जल्द से जल्द हो जाएगा ये हो जाएगा। सही। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैं अगर प्राइवेट में जाके अगर मेरे पास अल्लाह देता पैसा इतना और मैं प्राइवेट में आके खर्चा करता और टाइम लगाता तो इससे शायद ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे। अच्छा, लेकिन ये देखें मैं उस दिन बोला अगले दिन ऑपरेशन किया है, उसी दिन 2-4 घंटे में इसको डिस्चार्ज कर दिया है, कल दोबारा बुला रहे हैं, एक दिन का गैप देके उन्होंने दोबारा वापसी बुलाया है कि इसका वो होगा, उसके बाद यहाँ पे जनाब में वो दोबारा बुला रहे हैं जैसे आप यहाँ से फाइनल हो जाए आप इधर आ जाइएगा, वो कॉल खुद से करते हैं। सही, सही, खुद से फोन कर रहे हैं कि आप इस अच्छा, जैसे बीच में सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपने कहा था ट्यूसडे को ऑपरेशन है, फिर उन्होंने एक दिन पहले आपको फोन करके मना कर दिया कि कुछ मशीनरी उनकी बहुत ही मसला था, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपका इस टाइम पे नहीं कर सकते, आप एक दिन दो दिन छोड़ के जो है 10 तारीख को आ जाएगा। बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने बड़े तरीके से वो चला रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस टाइम हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नहीं, वेरी गुड। अगर देखें एक बंदा वाकई में अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो पेंडेमिक की वजह से भी हॉस्पिटल्स को लोग अवॉइड कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो वहाँ पे ज़्यादा जो है ना वहाँ पे लोग अप्रोच करते हैं। अच्छा, प्लस रही गवर्नमेंट अस्पतालों की बात, तो हमें ज़्यादातर न्यूज़ में या दूसरी जगह पर मिलने सुनने को मिलता है जी फला जगह पर ये नहीं है, ये चीज़ों का मसला है, ये वो, लेकिन आपसे जब डिस्कस करा जो कि आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी बात है। अब हमारे मुल्क इलाज जो भी होता है, मैं दुनिया में गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ, घूमता हूँ पूरे पाकिस्तान में, इलाज हर जगह पे सही होता है। अच्छा, जाहिर है यही प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट में चले जाएंगे तो उन्होंने क्या इंजेक्शन कुछ और लगाना है, इंजेक्शन दवाई जो जिस चीज की होगी वही दवाई लगाएगी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का तजुर्बा होता है वो अपने तजुर्बे को यूज करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा लोग कहीं और जाते होंगे। अगर हमारे पाकिस्तान में 100 लोग हैं तो 30 लोग अमीर, 70 लोग गरीब आवाम, बल्कि इससे भी ज्यादा रेशो बढ़ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो 70% लोग जो है तो वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाते हैं ना, तो जाहिर है उन डॉक्टर्स का तजुर्बा उन प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज्यादा है। इस वीडियो से मैं तो समझता हूँ दो पैगाम हो गए, एक तो जो हमारा अवेयरनेस का था पहले में कि भाई हम जो है लोगों को अवेयर करें कि जो चीज़ों को टाइमली करें, प्लस सेकेंडली मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपको कहना चाहिए कि हमें अपने गवर्नमेंट अस्पतालों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और वहाँ की अब अगर सहूलियात अच्छी हैं तो हमें अगर हमें बोलना चाहिए, हमें बताना चाहिए, एटलीस्ट अगर नहीं कर सकते तो उनकी बुराइयों को हाईलाइट ना करें। तो ये छोटा सा मैं एक लोगों के लिए कहूँगा क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो परेशान हो जाते हैं नीचे अमले से, कि जैसे कोई गार्ड अंदर छोड़ नहीं रहा होता है या कोई ऐसा कोई एड्रेस सही नहीं बता पा रहा होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपकी भाग काट रहा हूं, किसी ने आपसे कोई 150 मांगने वाले जो अंडर टेबल की बात होती है, नहीं नहीं कि आपका काम जल्दी हो जाएगा? देखें, 150 मांगने वाला तो कोई है नहीं इस टाइम पे,
पहले थे तो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, इस टाइम पे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे किसी, मुझे तो बल्कि मुझसे किसी ने भी नहीं मांगे और मुझे नहीं लगता किसी और से भी मांगते होंगे। सही है, सही है। तो हाँ, लोग परेशान जो होते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप परेशान ना हो, क्योंकि वो बंदा जो बाहर खड़ा हुआ है, आप सिर्फ एक सेकंड के लिए आप ये सोचो कि आप एक की वजह से परेशान होकर हॉस्पिटल जा रहे हो, वो पूरे दिन में कितने लोगों के साथ, हजारों लाखों लोगों के साथ परेशान हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, सबको जवाब देना, सबको करना, ये वो, तो गलत भी बयानी कर देते हैं, बदतमीजी से थोड़ी बात भी कर लेते हैं, उसको आप जो है एक साइड पे रख के अपना जो भी परेशानी उसको आप देखो और मेन डॉक्टर्स के पास पहुंचो, वो जो क्या कहते हैं आप वो करने की कोशिश। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने अपना टाइम दिया। अब इंशाल्लाह अगला जो भी लाए अमल होगा वो हमें 28 तारीख के बाद पता चलेगा, इस बच्चे की रिपोर्ट आने के बाद, तो आप वो भी हमसे जरूर डिस्कस करिएगा। हम इंशाल्लाह एक और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोगों को ये बताएंगे कि वो रिपोर्ट्स क्या आई उसमें, कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो चीज़ कोई ख़राबी वो ना हो जो हम सोच रहे हैं, वो ट्यूमर ना हो, वो कैंसर ना हो, वो एक नॉर्मल सा लंप हो, और तब तक इसका इंशाल्लाह दूसरी आँख का भी इलाज हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर, मतलब ये जो वीडियो है इंशाल्लाह ये तो 28 के बाद आएगी। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की है जो अभी बेरोज़गार हैं, अपनी नौकरियों से जा चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि मैं उनके भी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँ। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे इस किस्म की वीडियोज़ बना के अपने चैनल पर डालनी चाहिए और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, तो इंशाल्लाह मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जैसे कि आप लोगों ने पिछली भी की है, और लोगों तक पहुँचाएँ, ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, तो होपफुली चीज़ें आगे से बहुत बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ।